हरियाणा में नौकरी से हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर पिछले करीब 65 दिनों से अम्बाला शिक्षा सदन में बैठे हैं, जिसके चलते मांगे ना माने जाने पर आए दिन पीटीआई टीचरों का आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। 14 अगस्त को अम्बाला में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया और जेल भरो आंदोलन चलाकर गिरफ्तारियां दी थी और अम्बाला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करते सरकार को भी जमकर कोसा था। आज फिर अम्बाला में पीटीआई अध्यापकों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सिविल अस्पताल में बाजारों में होते हुए फुटबॉल चौक तक रोष मार्च निकाला। बर्खास्त अध्यापकों के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ये जो रोष मार्च है वो हरियाणा सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें 1983 पीटीआई को बर्खास्त किया गया है। हरियाणा सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो हमारा रोष मार्च है, ये हरियाणा सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें उसने 1983 पीटीआई को बर्खास्त किया है। हम पिछले 65 दिन से लगातार जिला शिक्षा सदन अम्बाला पे क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार हमारी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं कर रही है और जब कभी भी बात करती है घुमा फिरा कर बात को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। हमने 23 अगस्त का पीटीआई के लिए पेपर रखा है तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पेपर को रद्द किया जाए, क्योंकि सरकार ये समझती है कि हमारा जो रेगुलर का 10 साल का अनुभव हो चुका है हम इसे अवश्य पास कर देंगे। लेकिन मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि 10 साल में हमने स्कूलों में केवल फिजिकल एजुकेशन नहीं करवाया, उसके अतिरिक्त सरकार ने हमसे हजारों वो काम करवाए हैं, जनगणना से लेकर पशु गणना तक सरकार ने हम अध्यापकों से काम करवाए हैं, बीएलओ की ड्यूटी करवाई है, मिड डे मील की ड्यूटी करवाई है। तो उसके कारण हम जरूरी नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन से ही टच रहे, तो इसलिए हमारा सरकार से कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस पेपर को तुरंत रद्द किया जाए और इन 1983 पीटीआई की तुरंत बहाली की जाए। फिलहाल बर्खास्त पीटीआई ने सरकार से कड़े शब्दों में पेपर को रद्द करने और 1983 पीटीआई टीचर की बहाली करने का अनुरोध किया है और साथ ही सरकार को चेताया है वो इस पेपर को नहीं देंगे। सत्य खबर के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।